Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we'll start with our fiqh. Can someone please tell me where did we stop last, the last part? Where did we stop last in the last class? Shazia, did you note down? Obligatory rituals of wudu, Baji. Yes, ma'am. Six obligatory rituals of wudu. Can you repeat the six obligatory rituals of wudu? Yes, ma'am. Ma'am, rinsing the mouth, sniffing the water and washing face, first one. Then second, washing hands till elbows. Third one, wiping the head and ears once. Fourth one, washing your feet and ankles. And fifth one, this sequence of this. Then sixth one is continuing without any pause. Continuing without any pause. Any pause. Okay. Right. Any doubts in this? Iske baare mein kisi ko koi doubt hai? कोई कंफ्यूजन है इन रिगार्ड्स टू वुडू? कोई क्वेश्चन? नथिंग? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, देन वी कैन गो अहेड. मैम, आई हैव वन डाउट. मैम, अगर अगर इंसान वजू कर रहा है और मान लीजिए कोई स्टेप भूल गया, फॉर एग्जांपल धोखे से हम मुंह नहीं धोया और सीधा हाथ धोने पे आ गया एल्बोज वाला पार्ट, सो फिर क्या मतलब वो तो सक्सेशन में नहीं हुआ? So he has to start all over again? Yes, that is what it says, na? Okay. If you, there is a sequence, there is a continuity. So if the sequence is not maintained and continuity aisi ho gayi, to phir aapko wapis se dobara se repeat karna padega. That is what it means, obligatory. Theek hai na? Ji. Okay. Tasneem Aziz Ahmed, go ahead. Yeah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji. वो जब हम वजू करके आते फिर हम समझो कि फर्ज पढ़ लिए, उसके बाद बेबी ने आके पोटी कर दिया और उसको रुक नहीं पाया और फिर जाके उसको वॉश करा के, तो उसमें वजू टूट गया या फिर से बनाना, मतलब वजू वैलिड है या इनवैलिड हो गया? ये हमने वो हमारी वो सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे बच्चे, जी जी, हमारे बच्चे को हमने वॉश किए, वो जो नजासा वाला पार्ट है वो हमने लिफ्ट कर दिया ना, हमने अपने हाथ भी धो दिए. आपके जिस्म पे, आपके कपड़ों पे लगा हुआ है? नहीं 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 नहीं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशंस क्या होती है कि हमारे जिस्म, हमारी हमारे कपड़े और हमारी जगह जो है वो पाक होनी चाहिए, राइट? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वजू नहीं टूटता. ठीक है, विल गो फॉरवर्ड नाउ. मैम, एक क्वेश्चन है मेरा. श्योर श्योर अमरीन. मैम, मैं डिपार्टमेंट जैसे जाती हूँ तो मैं पूरा नकाब वगैरह पहनती हूँ, तो वहाँ पे मतलब मेरे सर भी रहते हैं, तो मैं वजू करने जाती हूँ तो मैं अलग से वॉशरूम में करने जाती हूँ, वहाँ साफ वगैरह होता है, वजू करती हूँ, लेकिन पैर धोने के लिए आई कम बैक इन माई लैब एंड फिर मैं पैर धोती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है वॉशरूम से लैब तक आने में, तो इतनी ये फिर कंटिन्यूटी को ये खत्म करा वाला कंडीशन. योर्स इज एन एक्सेप्शन सिचुएशन ना अमरीन? जी मैम. हाँ, तो ये एक्चुअली अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप बॉटल ले जाके, आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप उधर पैर क्यों नहीं धो सकती? मैम, मैं अपनी सैंडल्स पहने होती हूँ ना, तो वो पानी खराब हो जाएंगी, स्लीपर्स नहीं होती मेरे पास, वो लैब में रखी होती है. एक्चुअली अमरीन, आपका रीजन जो है ना वो इतना वैलिड नहीं है कि मैं ये कह सकूं आपको कि यानी इट इज ओके. आप है ना, स्लीपर्स अपने साथ बैग में लेकर जाएं, वहां पर आप पहन लें भले, एंड देन डू इट इन अ कंटिन्यूटी. आई थॉट मे बी कि कोई गैर महरम के सामने वो कुछ ओपन हो रहा होगा और इसलिए है, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू शुड डू दिस. यू शुड वॉश इट इन कंटिन्यूटी, प्लीज. ओके मैम. ये ऐसे करने में मुझे इनकन्वीनियंस इज ओके, अगर आपका वजू ही ठीक नहीं है तो फिर वो वाली जो इनकन्वीनियंस होगी वो ज्यादा मुश्किल दायक है ना. ओके मैम, ओके, आई अंडरस्टूड मैम, थैंक यू. Yeah, because understand one thing, ये aspect इतने important है, because your condition of wudu is important. It's a key to your salah, and the salah is the key to paradise. And imagine we are looking ahead to please Allah and enter paradise. तो ये inconvenience is nothing. Imagine if you had to draw water from the well and then come back. So don't think about inconvenience at all. Subhanallah. Okay, ma'am. Okay. Yeah, Subhanallah. Okay, ma'am. It's okay.
so we spoke about the six obligatory rituals in regards to wudu. May I ask few questions for better understanding? Now give me the chronological order. Give me the chronological order. मैं अभी randomly पढ़ूंगी और आपने मुझे उसके order बताने. Carefully सुने. Engage your mind. Actually, I like when we engage our mind and brain for these activities क्योंकि फिर हमारा focus जो है ना वो sharp होता है. तो don't think कि मैं क्यों इतने सवाल और इतना confused क्यों करके आप लोगों को पूछती हूँ. But believe me, inshallah, end of the day you will find it very interesting and interactive and आपका थोड़ा brain exercises भी हो जाती है. ठीक है. So I'm jumbling up now the orders. I'm just randomly saying, rinse the mouth and sniff water into the nose and wash the face. Second, wipe the head and ears. Third, wash the feet, including the ankles. And fourth, wash the hands up to and including the elbows. Now, anyone can give me the correct order. Raise your hand. Go ahead, Mohsina. Rinse the mouth first, then washing the hands, then wiping the head, you said, then the last one is washing the feet. Okay, barakallah. Anyone would like to try? When you say rinse the mouth, na, you should include two more things there, Mohsina. You should include sniffing the water in the nose and wash the face washing. Yes, you should include the sniffing of water in the nose and washing the face. Okay, face. Anyone else would want to try it? कोई और ट्राई करना चाहेगा द ऑर्डर. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी डू इट 5 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह. यस हादिया बोले. उसको बता दो. जी जी बिल्कुल. ओके, हाथ धोना, नाक पे पानी डालना, फेस वॉश करना, कोने तक पानी पहुंचाना और नहीं नहीं आपने पहले हाथ धोना बोला. जी हाथ धोना. ऑब्लिगेटरी रिचुअल्स में ना रिंसिंग द माउथ है. मतलब ऑफ कोर्स इट इज, आप जब आप हाथ धोना बोल रहे हैं ना तो वो एल्बो वाला हाथ धोना आ रहा है तो उसको उसकी नंबर टू है, वो नंबर वन पे नहीं है. फर्स्ट वन जो आपने कहा था वो वाला करेक्ट है. पहले रिंसिंग द माउथ और नाक, जैसे कुल्ली करना और नाक के अंदर स्निफ करना और फेस को वॉश करना, ये स्टेप नंबर वन हो गया ना. तो सेकेंड स्टेप हो गया आपका. एक मिनट, आई थिंक शाजिया एंड रशीदा हैज रेज द हैंड्स. यस रशीदा गो अहेड. यस बाजी, फर्स्ट रिंसिंग द माउथ, स्निफिंग द नोज विद वाटर एंड देन वॉशिंग फेस. सेकेंड विल बी वॉशिंग हैंड्स टिल एल्बो. Third will be wiping ears and head once. Fourth will be washing both legs including ankles. Correct. Barakallah fik. Yes, Shazia. Yes, ma'am. Same thing. No, same thing. Repeat. Yes, ma'am. Definitely. I wanted to repeat it ताकि लोगों के ये दिमाग में एकदम फिट हो जाए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First one is Raya, rinsing the mouth, sniffing the water and washing the face. Second is washing hands till your elbows. Third is wiping the head and ears once. Fourth one is washing both the feet and ankles. Right. Anyone else want to give it a try? Because मुझे चाहिए कि सब अच्छी तरह से ये steps को by heart कर लें. बिल्कुल, हम ये रोज करते हैं but अभी हम consciously करेंगे. Okay. I'm giving you a question here. A woman turned the water on and began to perform wudu. एक औरत ने नल स्टार्ट किया, वुदु करना शुरू किया. जैसे ही वो एल्बो को धोने लगी वो टेलीफोन बेल रिंग हुई और वो आंसर करने चली गई. वो उधर से उसने बात किया फिर वापस आई और अपना वुदु कंटिन्यू किया. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? नो मैम. यस शमीम. यस विल रेज द हैंड. If the water becomes dried, then she has to come do it again. If the water is wet still, then the wudu is valid. The time taken should be noted. I mean, Shamim Banu, are you sure of this? I think. Okay, let's hear from others. Amreen. Yes, ma'am, continuity nahi rahi ma'am, so she has to start all over again. Very good. Rifka, I'm not a chicken. Ma'am, it's not compulsion that she can also pick up the phone later.
it's better to be to maintain the continuity. Right. Shazia. Yes, ma'am. The continuity is break. So obligatory mein ye aata hai ki continuity bhi hona zaruri hai na, without any pause. Absolutely. You cannot attend a phone call. You cannot do your other things. Continuity. And it's a matter of few seconds. एक बात आप समझ लीजिए कि वुजू के लिए कोई हमें पानी के लिए पनघट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी यहाँ पर क्या क्या चीजें खराब हुई हैं आप देखें। एक तो पानी ऑन है, विच इज जाया हो रहा है वाटर, विच इज अगेंस्ट द वर्डिंग्स ऑफ हदीस ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु सेज दैट अगर आप बहते पानी के पास भी होना तो आपने आपने पानी जाया नहीं करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटी बहुत थोड़ी मकदार में वजू किया करते थे और बहुत थोड़े पानी के अंदर गुसल भी किया करते थे। नाउ कीपिंग इट ऑन, परफॉर्मिंग इट, लीविंग द प्लेस, यानी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, सक्सेशन ब्रेक हो गया, फोन कॉल अटेंड हो गया, बात हो गई, इट इज इनवैलिड। ईदर रिपीट द वुदू और दिस वुदू इज नलिफाइड। क्लियर? अच्छा अमरीन, यू वांट टू से मैम एक चीज और? यस यस मैम। मैम हम जो वजू करते हैं, मतलब हमेशा से करते आ रहे हैं, यू हैव जस्ट स्टेटेड दैट द फर्स्ट स्टेप इज रिंसिंग द माउथ एंड स्निफिंग वाटर इन द नोज। हम तो पहले मैम थोड़ा सा हाथ धोते हैं 3 times और फिर माउथ का पार्ट करते हैं, तो वो गलत है? गलत मैंने नहीं कहा, वो देखें, वॉशिंग द हैंड्स कम्स अंडर सुन्ना, वी आर डिस्कसिंग द ऑब्लिगेटरी पार्ट। ओके ओके, यही चीज मैं आपको, दैट्स आल्सो राइट मैम। जी जी, मैं आपको बताती हूँ, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जी जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम रहमतुल्लाह जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। बोलूं? बोले बिल्कुल। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जो फराइज है ना, ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, उसके अंदर हाथों को कोहनी तक धोना और चेहरे को धोना है, ठीक है। अब ये जो कुल्ली करना और नाक साफ करना है ना, ये आप इसके चेहरे के धोने के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। आपने कहा कि एक ही स्टेप में अगर हम कर रहे हैं तो फिर ये फराइज में आएगा, ऑब्लिगेटरी एक्ट में आएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग पानी ले रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना, तो फिर वो फराइज में ऑब्लिगेटरी एक्ट में नहीं आएगा। आप हाथ धोकर फौरन जो है ना वो चेहरा अगर धो लेते हैं 1 time तो आपका ऑब्लिगेटरी एक्ट तो वो सुनना वाले पॉइंट सारे आएंगे। हाँ, वो आएंगे। हाँ, लेकिन जो ऑब्लिगेटरी में है ना, देखिए एक्सटर्नल पार्ट्स का है धोना, ठीक है, तो जो इंटरनल पार्ट्स है ना वो फराइज में नहीं आते। अगर आप एक साथ उसी स्टेप में कर रहे हो तो आप इंक्लूड कर सकते हो। इसलिए हम लोग अमूमन जो वजह से अभी की बात इन्होंने की, अभी जिस स्टूडेंट ने की, मुझे नाम नहीं शाजिया जी, जो भी है, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि अगर पहले हम कुल्ली करते हैं फिर हम नाक में पानी डालते हैं, तो क्योंकि हम अलग अलग स्टेप में करते हैं ना, इसलिए ये ऑब्लिगेटरी में नहीं आएगा। हम सिर्फ चेहरा धो लेते हैं और बाजू धो लेते हैं, उसके बाद मसा करके पांव धो लेते हैं एंकल्स तक, टखनों तक, तो वो हमारे वुजू के फराइज मुकम्मल हो जाते हैं, ठीक है। ये है इसके अंदर पॉइंट, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने एक साथ इसको कंसिडर किया है ना, वो इसको इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। जी मैं एक्चुअली लुबना ऑब्लिगेटरी जो पॉइंट्स है ना उसको कवर करते हुए फिर सुनना पे जाऊंगी, तो वो क्लैरिफाई होगा। अभी फिलहाल के तौर पे आई वांट देम टू कंसीडर के पॉइंट 1 जो है वॉशिंग द फेस, दिस इंक्लूड्स रिंसिंग द माउथ एंड द नोज, हो ये ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट है, राइट। मैं आपको यही कह रही हूँ ना, हाँ मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आप उसके अंदर एक साथ कर रहे हो तो नहीं, मैंने एक साथ ही बोला। अभी जब अगर मैं ऑब्लिगेटरी की बात कर रही हूँ, 6 points से ऑब्लिगेटरी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सिस्टर थी उन्होंने कहा था सिर्फ रिंसिंग द माउथ, तो उसको हमने नहीं इंक्लूड किया, हमने इंक्लूड किया स्निफिंग द वाटर, टेकिंग इट इन टू द नोज एंड वॉशिंग द फेस। पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये 3 चीजें आनी है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर एल्बो तक हैंड्स को वॉश करना। पॉइंट नंबर 3 वाइपिंग द हेड, और हेड का पार्ट ईयर्स भी इंक्लूड हो गया सही है, ठीक है। उसके बाद पैर टखनों तक, ये 4 चीजें ऑब्लिगेटरी लेवल की है, और 5वां सीक्वेंस, और 6ठा जो है कंटिन्यूटी
विद नो विद कंटिन्यूस सक्सेशन यानी नो ब्रेक्स इन बिटवीन, तो ये हमारी फिट हो गई है बिल्कुल ऑब्लिगेटरी। अब जब हम आगे डिग इन करेंगे ना तो वी विल सी ये जो तीन बार हाथ धोना और जो एक एक पार्ट का जो है क्लीनिंग, देन इट विल कम इन द सुनना, बट वी आर नॉट श्योर ना, अभी तक हमें पता ही नहीं ऑब्लिगेटरी क्या है सुनना अरकान क्या है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अमरीन आपका हैंड रेस है, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? नो मैम, वो पहले कर रहे हैं, मैं उसको नीचे कर लूंगी, सॉरी। ओके ठीक है। अच्छा अभी मैं आप लोगों से एक मैच द कॉलम पूछ रही हूँ, जस्ट गौर से सुनिए, इट विल कंफ्यूज यू अ बिट बट इट विल क्लैरिफाई लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, कॉलम ए, कॉलम ए इज कंडीशंस ऑफ अब्लूशन एंड आपके ऑप्शंस हैं शुड बी ड्यूरिंग अब्लूशन और शुड बी बिफोर बिगनिंग अब्लूशन, यानी कंडीशंस ऑफ अब्लूशन एंड ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ अब्लूशन। तो कॉलम ए में लिखिए कंडीशंस ऑफ अब्लूशन, ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ अब्लूशन, और बी में लिखिए शुड बी ड्यूरिंग अब्लूशन और शुड बी बिफोर बिगनिंग द अब्लूशन। तो सही आंसर क्या होगा, कंडीशंस कब होनी चाहिए? यस शाजिया मैम, कंडीशन शुड बी बिफोर द एब्सोल्युटली एंड ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी शुड बी ड्यूरिंग द अब्लूशन। Absolutely. तो obligatory acts जो हैं वो during होंगे और उसकी जो शुरू जो शर्त है conditions है वो पहले होगी। In fact it is not pertaining only to wudu, even salah के लिए भी जो conditions of salah होती है वो पहले होगी और जो obligatory acts होंगे वो during होंगे, even sunnah जो है वो during होंगे, correct? Yes ma'am. अच्छा another question, a man forgot to wipe his head when he made ablution and then he prayed. एक आदमी ने मसा नहीं किया सर का और उसने सलाह कायम कर दी, उसे क्या करना चाहिए? मैं आपको तीन आंसर देती हूँ, आप बताइए वो उनमें से कौन सा सही है। एक है repeat the prayer only, एक है repeat ablution only और एक है repeat ablution and prayer। क्या सही है? Yes Shamim. Repeat ablution and prayer, because if the prayer, if the wudu is not perfect, the prayer is invalid. Okay. Shazia? Yes ma'am, repeat both ablution and prayer. Okay, so clarity हमारे ज़हन में आ चुकी है कि the key to salah is ablution. तो ablution की जो फ़राइद है, जो obligatory rituals हैं, वो complete नहीं हुए हैं, तो क्या हमारी वुदू वैलिड है कि नहीं? अगर वुदू वैलिड नहीं तो सलाह वैलिड नहीं। वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट दीज पॉइंट्स, वी विल गो थ्रू द सुन्नाज ऑफ वुदू। द रेकमेंडेड सुन्ना, ओके, नंबर वन इज यूजिंग द टूथ स्टिक, मिसवाक, मिसवाक का इस्तेमाल करना इज एक्ट ऑफ सुन्ना। वॉशिंग द हैंड्स थ्री टाइम्स एट द बिगिनिंग, जो हम तीन बार हाथ धोने की बात कर रहे थे वो सुन्ना एक्ट है। फिर उसके बाद इसको कंबाइन करते हैं ना, जो हम दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सुन्ना, कि हम कंबाइन करते हैं कुल्ली एंड नोज का स्निफिंग थ्री टाइम्स और एक ही चुल्लू पानी में, यानी हम एक बार वो कलेक्ट करते हैं, सेम वाटर वी यूज फॉर गार्गलिंग, वी सक इट इन द माउथ एंड वी स्निफ इट इन द नोज। ओके, दिस इज सुन्ना, कि वी आर कंबाइनिंग दिस थ्री टाइम्स, ईच टाइम विद वन हैंडफुल ऑफ वाटर। और एक और एक इसमें मैं मेंशन करती चलूं कि व्हेन यू आर फास्टिंग यू आर नॉट डूइंग एन एक्सेस ऑफ दिस, हाँ, स्निफिंग इन द नोज वाला एक्सेस पॉइंट हम नहीं करेंगे। Because there is a hadith which says, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, ke in ablution, you should put water well up your nose unless you are fasting. So if you are in a state of fasting, to aap ye excessive na karein. Then starting from the right side before left side, this is a part of a sunnah. Rubbing the forearm. Forearm, elbow tak jab hum rub karke achhe se saaf kar rahe hote, it is a part of a sunnah. Washing each part three times. अच्छा अभी मुझे आपसे एक सवाल है, क्या हम
हम थ्री टाइम्स ही करें तो सही है या हम वंस या ट्वाइस भी कर सकते हैं? मसलन कुछ एक्शन में थ्री टाइम्स करूँ, कुछ एक्शन दो टाइम, कुछ एक्शन एक टाइम, इज इट अलाउड? यस रशीदा, मिनिमम वन टाइम बाजी, मैक्सिमम थ्री टाइम्स, मिनिमम वन टाइम्स, मैक्सिमम मिनिमम वन टाइम कर सकते हैं. माय क्वेश्चन इज कैन आई कंबाइन दिस नंबर्स इन बिटवीन? नहीं बाजी, एक जो शुरू किया है वैसे ही कर रहा है, एक टाइम तो सिर्फ एक टाइम. डू यू हैव अ बैकिंग फॉर दिस क्लेम? नो बाजी. ओके, सीक्वेंस नहीं होता है ना ये, अगर एक टाइम या दो टाइम किया तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो नहीं होगा ना. नहीं, क्यों नहीं होगा? सीक्वेंस, सीक्वेंस इज फॉलोइंग द एक्शन, नंबर ऑफ टाइम डजंट फॉलो इन द सीक्वेंस ना. ओके बाजी. अच्छा, कोई और अपना, कोई और इसके बारे में कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेगा? इफ आई कंबाइन वंस ट्वाइस एंड थ्राइस, इज इट परमिसेबल? क्वेश्चन तो ये है फर्स्ट, इज इट परमिसेबल? ओके, it is permissible. Why it is permissible? Because we have hadith confirming that. Hadith of Uthman radhiyallahu anhu, he stated that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, washed each part three times. However, it is also verified that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would wash each part only once or twice or thrice also. So yani कॉम्बिनेशन जो है हो सकता है, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही डिड एवरीथिंग, ही डिड वंस आल्सो, ही डिड ट्वाइस आल्सो, ही डिड थ्राइस आल्सो, एंड समटाइम्स ही कंबाइंड आल्सो. ठीक है, एंड आई पर्सनली आल्सो क्लैरिफाइड दिस विद माय उस्ताजा. सिन कंबाइंड का मतलब क्या आप बोल रहे हो? कंबाइंड का मतलब यानी वन टाइम इज फर्स्ट. See, one time is first, but कोई action, अगर आप तीन time कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने तीन टाइम हाथ धो दिए ना, उसके बाद आपने एक टाइम गार्गल किया, आपने फिर उसके बाद एल्बोस को थ्री टाइम, दो टाइम धो दिया, ऐसा कॉम्बिनेशन अलाउड है कि नहीं? अच्छा, इसके कॉम्बिनेशन कह रही हूँ, सीक्वेंस की नहीं. हाउ मेनी टाइम्स यू विल रिपीट द एक्शन? सही बात ये है कि वन टाइम जो है ना वॉशिंग वो ऑब्लिगेटरी है और थ्री टाइम जो है ना वो सुन्नत है. यस, लेकिन माय क्वेश्चन वाज कि हम एक टाइम में अगर आपने ये नंबर्स आपने कंबाइन किए तो क्या होगा? सही है. ठीक है, ओके. वॉशिंग बिटवीन द फिंगर्स एंड द टोज, वॉशिंग बिटवीन, वेरी क्लियरली बिटवीन फिंगर्स एंड द टोज, दिस इज ऑल्सो सुन्ना. वन सेकेंड, ओके. हमने दुआओं के बारे में डिस्कस किया था. देयर इज अ दुआ, व्हाट इज अ दुआ बिफोर वुदू? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज अ दुआ बिफोर वुदू? बिस्मिल्लाह, ओनली बिस्मिल्लाह. वेरी गुड. एनी दुआ ड्यूरिंग वुदू? नो. ओके, नो मैम. बारकल्लाह फीक. ओके, व्हाट इज अ दुआ आफ्टर वुदू? कलिमा पढ़ना. और कोई बोलना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. It is ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. बारकल्लाह फी, वेरी गुड. तो ये दुआ जो पढ़ना है दैट इज ऑल्सो सुन्ना. सप्लिकेशन आफ्टरवर्ड्स बिफोर जो है वो सब सुन्ना में जाती है. एंड देन टू रका आफ्टर वुदू, दैट इज ऑल्सो अ सुन्ना, जिसे हम तैयतुल वदू कहते हैं ना, तो वो भी सुन्ना में जाती है. क्लियर? आर वी क्लियर अबाउट द सुन्नास नाउ? एनी क्वेश्चन? Or we can proceed. Let's go to the nullifiers of wudu. Yes, Rashida. ये जो आप पहले बोले थे कि rinsing the mouth, sniffing water, दोनों हाथ धोना और एक सर का मसा करना, ये तो फराइज में हो गया ना, चार वाले. जी.
करता हूँ तकनों तक समय के धोना होता है। एक्चुअली छह है ना, छह है ये एक्शन तो चार है और फिर उसके बाद सीक्वेंस और सक्सेशन यानी कंटिन्यूटी, ये छह बनते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ना। अच्छा ठीक है ओके, नहीं नहीं खाली सिर्फ ये चार करेंगे तो फर्ज हो गया ना। जी बिल्कुल, ये चार करेंगे मिनिमम वंस तो ये फर्ज हो गया। अब इसके आगे हमने नंबर्स बढ़ा दिए और बहुत गौर फिकर से बिटवीन द टोज और वो बियर्ड के अंदर ये करना, रनिंग द फिंगर्स एंड ऑल दैट, ऑफ कोर्स मेल के लिए एप्लीकेबल है वो सारे एक्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, मिसवाक वगैरह ये सब सुनना में आ जाएंगे। ओके जी ओके क्योंकि लास्ट क्लास में एक सिस्टर ने पूछा था, आई डोंट नो हु इट वाज, बट उन्होंने कहा था मैं बहुत लिमिटेड वाटर से वुजू करती हूँ, तो आई टोल्ड हर दैट दिस इज द ऑब्लिगेटरी थिंग, यानी ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम है जिस जो हमें करना है, एक्स्ट्रा जो हम करेंगे वो सुन्ना में जाएगा, तो इट इज गुड कि हम थोड़ा पानी यूज करके ये बेयर मिनिमम कर लें। ठीक है हाँ बाजी जी बाजी, वजू की दुआ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना ऐसा कुछ है बाजी? नहीं रशीदा, हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास इतनी दुआ की बुक एक मौजूद है जिसमें हर एक्शन के ऊपर एक दुआ थी। लुबना सही है ना? हमारी जो इंडिया पाकिस्तान में मिलती है ना किताबें, जी जी, आमतौर पर जो मार्केट में आम अवेलेबल है उसमें यही कुछ है। और हाँ दुआएं किसने बनाई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिखाई नहीं, कहाँ से आई, वो उलमा ने खुद लिख ली अपनी किताबें बेचने के लिए ना, तो ये सब बिदात में आती हैं। ये बहुत इतना इन लोगों ने इन चीजों को हैवी कर दिया है कि वो आम लोग तो कहते हैं तो वजू करना ही बड़ा बहुत बड़ा काम है, हम तो नहीं कर सकते, ये तो उलमा का काम है। छोटी छोटी चीजों को बहुत हैवी कर दिया गया ना। हाँ इसी तरह आप देखिये तवाफ के लिए हज और उमरे की जो बुक्स मिलती है उसमें हर चक्कर की अलहदा दुआ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई, नहीं बताई, तो फिर ये किसने बनाई? या वही लोग हैं जो किताबें लिखते हैं, उन्होंने इस चीजों को इतना हैवी कर दिया है कि वो आम इंसान की पहुंच में बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए दीन बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, हालांकि दीन में आसानियां हैं, ये बात इनको समझ नहीं आती है ना। लेकिन हमारी रेंज में ना ये जो आम किताबें मिलती हैं पब्लिक में मशहूर है, हमारे घरों में हमेशा से रखी हुई है, इसी वजह से हमारे बड़े जो है वो बहुत सारे कामों से दूर थे। ठीक है ना, तो हमें समझना है, हमें ओरिजिनल दीन तक पहुंचना है, ये बहुत जरूरी है। राइट ठीक है ना। अभी आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा फिक्ह के लिहाज से, इट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट नलिफाइज वुदू, वुदू किन किन एक्शन से इनवैलिड होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्शंस जो के हमारे वुदू को नलिफाई करते हैं, तो नंबर वन उर्दू को नसीन, उर्दू में इसको कहते हैं नवाकिद वुदू, नवाकिद को नवाकिद, मुश्किल लफ्ज है लेकिन जिनको उर्दू आती है उनके लिए अच्छे, नवाकिद वुदू। मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, पहले वो बोलो। हाँ नवाकिद वुदू यानी वुजू को तोड़ने वाले जो अमल है, किन किन कामों से वुजू टूट जाएगा, किन किन कामों को कहते हैं नवाकिद के साथ, रिलीविंग ऑर्गन्स, पीनस, वजाइना एंड एनस, सच एज यूरिन, ब्लड, स्टूल एंड विंड, यानी हमारे जो एग्जिट पॉइंट्स है वजाइना एंड रेक्टम से कुछ भी चीज खारिज हो, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एंड इन द फॉर्म ऑफ विंड, यानी ये तीन चीजें जो है इनके निकलने से, चार चीजें एक्चुअली बेसिकली, ये चार चीजें अगर खारिज होती हैं हमारे फ्रंटल ओपनिंग या बैक ओपनिंग से, तो हमारा वुदू जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। नंबर टू, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डीप स्लम्बर यानी गहरी नींद, कि आपका जो कॉन्शियस है हाँ वो अगर आपका ब्लैंक हो जाता है या उस स्टेज में आप पहुंच जाते हो बेहोशी तारी हो जाती है, तो आपका वुदू टूट जाता है। टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स विदाउट अ बैरियर, दैट इज टॉवल और अ टिश्यू, यानी अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करना विदाउट अ बैरियर, विदाउट अ बैरियर। अब एक्चुअली इसके अंदर ना और डेप्थ आती है कि लेयर्स आते हैं इस तरीके से कि
कि आपकी इंटेंशन क्या थी, उसमें लस्ट शामिल था या विदाउट लस्ट. क्योंकि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम नहा कर आए, गुसल करके आए, और हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने डस्टिंग पाउडर डाला है टू कीप द थिंग्स नीट एंड हाइजीन, तो वो तो टच हमने विदाउट बैरियर किया, तो क्या वुदू टूट गया. तो उसके अंदर एक और एक कंडीशन बताई गई थी कि लस्ट फ्री होना चाहिए वो टच. So even if there is no barrier, the feeling, the lust feeling was not there. It is just for, meant for the hygiene purposes. So ये सारे again we are going in the depth. लेकिन फिलहाल के लिए आप यही सोच के चलें जो point मैंने आपको बताया. Touching the private parts without a barrier, that is without a towel or a tissue or a cloth. Eating camel meat, ऊंट के गोश्त खाने से आपका वुदू टूट जाता है. तो फिलहाल के लिए चार पॉइंट्स फॉर यू. नलीफायर्स ऑफ वुदू, वुदू किन बातों से वो टूट जाता है, नवाकिद वुदू, अगर फ्रंट और बैक ओपनिंग से यूरिन, ब्लड, स्टूल और विंड यानी फाट हो जाए, उसके बाद अपना बेहोशी, इतनी गहरी नींद के बेहोशी तारी हो जाए, प्राइवेट पार्ट्स, टचिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स विदाउट द बैरियर, एंड फोर्थ ईटिंग कैमल मीट. कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? एनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन? ओनली दिस फोर आर ये वुजू टूटते हैं. यस, एज ऑफ नाउ टू अंडरस्टैंड द लेवल बेसिक वन. जी वॉमिट, मुंह भर के खाए होना, वॉमिट का जो मसला है ना, वो जो है उसके अंदर भी कंडीशंस हैं, वॉमिट के अंदर भी कंडीशंस हैं. ओके, अगर नमाज में कह कह कर हंस डाले तो? नमाज के अंदर हंसना तो मतलब वो तो एक अलग लेवल पे जा रहा है ना, वो भी तो वजू टूटता है. आपकी 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 सलाह भी टूट जाएगी. हाँ, या इनफैक्ट यू आर सिनिंग. अच्छा, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक जो वुदू टूटने की बात कर रहे हैं, नलीफायर्स ऑफ वुदू. ओके, जी शमीम एंड नूर, आपके क्वेश्चन पूछें. अगर नमाज में थोड़ा सा नींद आ जाए तो इससे वुदू टूट जाएगा? नींद नमाज में थोड़ी सी नींद आ जाए, ये इधर ना डीप स्लीप की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक हदीस है जिसमें सहाबास जो है ना, वो लोग ऐसे पैर फोल्ड करके, वो लोगों की झोंका लग रहा होता था, वो इतने डीप झोंके में चले जाते थे, लेकिन वो लेटते नहीं थे. क्योंकि होता ये है कि जब हम लेटते हैं ना, नमाज में बैठे हो, जैसे सलाम पे रहा हो और थोड़ी देर के लिए आप तस्बीह पढ़ रहे हो और फिर थोड़ा सा झोंका आ जाए, ऐसा? मैंने डीप स्लीप कहा. डीप स्लीप, ऐसी डीप स्लीप जिसके अंदर आपको होश ना हो के कुछ खारिज हो गया हो आपके जिस्म से. अच्छा, सही गहरी नींद सोना, एकदम गहरी नींद, इतनी गहरी नींद. एक्चुअली हमारी आंख से, जैसे बुलूग अल मराम में इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया गया है कि हमारा जो आंख से हमारा रेक्टम का थ्रेड है, जब हम होशमंद रहते हैं ना, तो हमें पूरी होश होती है कि हमारी बॉडी से क्या एक्सपेल हो रहा है, क्या निकल रही है. लेकिन जब हम बेहोश हो जाते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी से क्या खारिज हुआ है. तो वो थ्रेड टूट जाता है द मोमेंट वी गो इनटू द डीप स्लीप. तो जब तक हमारा वो थ्रेड इंटैक्ट है ना, तब हम होश में हैं. और वो हल्का फुल्का झोंका आ गया, लेकिन वी आर स्टिल कॉन्शियस, हम सुन भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, बस एक आंख वो बोझ हो जाता है पलकों पर और हम ऊंग रहे होते हैं. लेकिन ऊंगना मानी सोना नहीं होता, डीप स्लीप नहीं होता. डीप स्लीप यानी डीप स्लीप, जहां पर आपको होश ही ना होता है और आप जो हैं यानी खराटे ले रहे हैं और आपको कोई होश नहीं, आसपास क्या बातें हो रही है, क्या दैट डीप स्लीप, बेहोशी वाली. उनका सवाल है नमाज के दौरान अगर हमें झोंका आ जाए. नहीं, नमाज के दौरान नहीं, उन्होंने कहा मैंने सलाम फेर लिया है. हाँ, तस्बीह कर रहे हैं, तस्बीह करते करते वो दूसरी कंडीशन, पहले उन्होंने कहा नमाज के दौरान. जी नूर, ऐसे ही बोला ना आपने? नूर, नमाज के दौरान झोंका आना? नहीं मिस, नमाज के दौरान नहीं, नमाज सलाम फेरा हो. जी, सलाम फेरने के बाद? जी. अच्छा अच्छा, तो नसीन नमाज के दौरान हो तो फिर? नमाज के दौरान अगर झोंका हो, देन आपको पता है ना लुबना, सर्टन मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये होता है
कि वो नमाज के दौरान भी उनको झोंके आ रहे होते हैं, तो मैंने इसके बारे में एक्चुअली काफी तलाशा के क्या नमाज नल एंड वॉइड हो जाएगी, तो वो सिकनेस के अंदर जा रहा है। वो तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना, मैं सिंपल केस में पूछ रहा हूँ। जी जी, तो नमाज के दौरान तो झोंका आना ही नहीं चाहिए, वो आएगा कैसे? एग्जैक्टली, वो कॉन्शियस होना चाहिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता, बिकॉज आप देखें हम लोग क्या बात करते हैं, हम तो अभी तक सलाह की तरफ पहुंचे हैं, हम अभी तक वुजू में हैं, वो खुशू का लेवल क्या है वो अभी हमें देखना है। नमाज के दौरान तो इसका सवाल ही नहीं होना चाहिए, नमाज के दौरान का तो सवाल बनता नहीं, लेकिन एक होती है सिकनेस की, जो लोग सर्टन मेडिकेशंस पे होते हैं ना, तो उन लोग अगर वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको वो आता है उनके ऊपर, तो वो थोड़ा सा, हाँ वो जो जब थोड़ी सी खुमारी तारी होती है ना, तो वो सिकनेस के अंदर जाता है, तो उसके लिए सोल्यूशन स्कॉलर्स ने बताए थे कि आप बैठ के ना पढ़ें, आप जानकर, जैसे कहते हैं ना कि इफ यू आर सिटिंग डाउन, आप कंफर्टेबल पोजीशन पे ना हो, आप खड़े होके पढ़ें, उसका सोल्यूशन बताया है, तो दैट इज व्हाट आई हैड डिग्ड इन। या जी शमीम, आप कुछ कहना चाहती हैं? इफ यू आर वॉशिंग द बेबी फॉर लाइक एग्जांपल क्लीनिंग द डायपर, चेंजिंग द डायपर फॉर बेबी, देन द वुदू विल नॉट गो, लाइक इफ यू आर वॉशिंग द डिसीज्ड पर्सन लाइक दैट एग्जांपल एंड ऑल। अभी इन टूडेज क्लास ओनली शमीम समबडी आस्क्ड के इफ आई एम क्लीनिंग माय बेबीज डायपर, सो आई अगेन रिमाइंडेड दैट देयर आर थ्री थिंग्स दैट नीड्स टू बी क्लीन, राइट? योर क्लोथ्स, योर बॉडी एंड योर प्लेस। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू आर क्लीनिंग द पैम्पर ऑफ द बेबी, यू आर वॉशिंग द बेबी एंड यू आर क्लीनिंग द हदाथ, दैट इम्प्योर नजिस मैटर, यू आर लिफ्टिंग दैट इम्प्योरिटी, इजंट इट? So you are with, you said no touching the private parts without tissue like that, so that I asked. The touching of the baby's private parts without tissue? Yes. It's permissible. Here we are talking about your private parts, your own. Shamim, you understood? There is a difference. Yes, yes. You are cleaning the baby. That is a different. Yes, yes, for that only, yes. Yeah, we are talking about touching your own private parts. ओके नूर, आपका हाथ ऊपर है, कोई क्वेश्चन है या पहले का ही है? सॉरी, बस मैं। अच्छा, तो ये हमारा हो गया डीप स्लीप, कॉन्शियसनेस, टचिंग प्राइवेट पार्ट्स एंड वॉट एवर कम्स आउट फ्रॉम योर फ्रंटल। ठीक है जी मोसीना, कोई क्वेश्चन है? जी नहीं भाजी, मीट ऑफ कैमल की। अभी कैमल मीट, या अभी मुझे आपसे सवाल है, कैमल मिल्क मैंने पिया, कैमल मिल्क, क्या मेरा वजू रहेगा कि टूट गया? One more question, sister. जी जी। Yes. If you are washing the deceased, then ghusl is compulsory for us, right? We have to take ghusl. Whoever is giving birth to deceased. Don't say compulsory, right? Again, Shamim. It's only recommended only. Yeah, yeah, yeah. Don't say compulsory because there are three different opinions in that. Doesn't show it is obligatory. It doesn't show it is obligatory because we have the contradicting hadith also, which says it is okay. All right. Yes, Amreen. Amreen, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, क्या नहीं है मेरा? जी थोड़ा सा बोले। मैम वजू नहीं टूटेगा लेकिन माउथ को रिंस करना पड़ेगा नमाज पढ़ने से पहले। वजू नहीं टूटेगा लेकिन माउथ को रिंस करना पड़ेगा, यस। एंड व्हाई इज इट के कैमल के मीट से वुदू हमारा टूट जाता है? That I don't know, ma'am. Anybody? किसी को कैमल मीट के बारे में इशू इसके साथ क्या है कुछ पता है? जिन मे बी प्रेजेंट ऑन द कैमल, एनी ईविल थिंग्स मे बी प्रेजेंट ऑन द कैमल, इट मे सिट ऑन द हैम्प ऑफ द कैमल एंड इट्स मीट आल्सो इज वेरी मच हार्ड, इफ यू ईट यू विल बी बिहेव हार्ड। Absolutely, we behave behave hard. What that has got to do with the wudu is my question. We know that there is a devil, as per the hadith, there is a devil sitting on the hump, and that is the reason if you are eating that meat, some of the characteristics
might enter our system. So it is, our wudu does not remain as it is. That is why we have to seek, you see, we have to seek Allah's protection and we have to again repeat our wudu. But the science or the logic behind it is that, again, going back to the chapter where we don't use our own intellectual, we will go by the books. There are hadith which says that we have to make wudu after eating camel's meat. We digged in, we know there is an evil or a devil sitting on the hum. That's it. If Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said it, we need to do it. And as one of the sisters, Amreen, I think, said it, that if we are eating and drinking or drinking camel's milk, then we'll just have to gargle and we are done. Right? But again, gargling after eating every time. Like, for example, you are in a state of a wudu. Abhi aapne beech mein kuch khaya. To aap kya karenge? Gargle karenge? Ya you will just take a sip of water and just rinse your mouth and that's it. Are you getting me what I'm asking? हाँ जी बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही थी. Not necessarily कि आप उधर जाके तीन बार गार्गल करेंगे, unless कि कोई आपने ऐसा कुछ खाया हो जो कि स्मेल करेगा, डिस्गस्टिंग होगा मस्जिद के लिए. बट अगर इट इज समथिंग दैट यू कैन जस्ट ड्रिंक वाटर एंड रिंस विद इट, इट्स फाइन. ठीक है, मैंने हमेशा आपसे कहा है फिक की स्टडी के बाद लाइफ इजी होनी चाहिए हमारी. तो हमें समथिंग दैट इज एन इजी ऑप्शन, जिसमें हम लोगों के ऊपर कोई गुनाह ना होगा, वो काम हमने करना है. ठीक है ना? आर वी क्लियर ऑन दिस? लेट्स गो अहेड देन. मैम एक क्वेश्चन है मेरा. जी जरूर. मैम वो तो मैम क्लियर हो गया कि ईटिंग गार्लिक खा के मस्जिद में नहीं जाना, वो तो मुझे समझ में आ गया. लेकिन हम लेडीज है, घर पे अगर हम नमाज पढ़ते हैं मैम इंडिविजुअल, तो जैसे आगे अभी कभी प्याज खा के या गार्लिक खा के ना खाली इसको मतलब पूरा ब्रश नहीं किया, खाली रिंस कर लिया, माउथ खुली कर ली, तो हम पढ़ सकते हैं या जब तक उसकी स्मेल नहीं जाए हमें उसको ब्रश वगैरह करना चाहिए? नहीं नहीं, इट्स ओके, यू कैन प्रे, ऐसी कोई बात नहीं. आप घर में हो ना अकेले, ऐसा कोई मसला नहीं है. ये हमारी सेल्फ हाइजीन है ना, ये हमारी सेल्फ हाइजीन होती है. और हम लोग, यानी आप जहन में रखें कि तहारत का हमारे इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंस है, राइट? तो इट इज समथिंग दैट विल मेक अस फील गुड. कि इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि जब भी हम अल्लाह के सामने खड़े हों इस्टेब्लिश करने के लिए सलाह, तो हम एक अपने बेस्ट फॉर्म में हो. यानी हम हमारे थोब को भी अच्छा नीट एंड टाइडी रखें, अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना के पेश करें. क्योंकि वॉट इज इट वेन वी आर डूइंग द सलाह, वॉट इज इट our belief is what, that Allah is, we are facing our Lord, we should be in our best state. Yani aap soche agar aap kisi bade sheikh se ya bade apne boss se mil rahe hain ya kisi bahut important personality se mil rahe hain, to aap apne best form mein honge, right? Kya aap apne cooking wale kapde aakar jisme tadke ki smell aa rahi hai khade ho jayenge? Aap nahi honge, aap bahut beautify karenge apne aap ko. To yahan hum hamare rab ko face kar rahe hain, hum akele hain, hum hamare ghar ke kone mein hain, lekin you are facing your rab. To the best thing would be what, the best thing would be to present yourself in the best position, achhi presentable condition mein. Ab main ye nahi keh rahi ki aap har salah ke liye apne naye kapde pehne aur lehenge pehen ke khade ho, ye nahi keh rahi, lekin main keh rahi hu ki taharat ke point of view se become a perfect purification, okay, acha purification aur acha beautification karke apne rab ke samne khade ho jaye. Lekin obligatory और सुन्ना matters के हिसाब से ये है कि वो specific definitely congregation, जब जमात की मस्जिद होती है. इनफैक्ट हदीथ में वो दो मस्जिदों का जिक्र था, मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम की बात चल रही थी. तो definitely normal मस्जिद में भी जाने के लिए जमात में अपने अपने को ब्रदर को जो है वो डिस्गस्टिंग ना लगे, तो इसीलिए वो बात उधर क्लैरिफाई हो रही है. लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन अवर बेस्ट वुड बी कि वी आर इन अवर गुड प्यूरिफाइड स्टेट. ठीक है ना? ओके ओके ओके. सो एक्ट्स, अभी हम वो वाले एक्ट्स पे जाते हैं जहां पर वुदू रेकमेंडेड है, वो वाले एक्शन जहां पर वुदू रेकमेंडेड है. अगेन ऑब्लिगेटरी नहीं. हाँ, आप फर्क अभी आप लोगों को समझ आ गया है. रेकमेंडेड कहां पर है? Do you know the places जहां पर वुदू recommended है? Anybody? आप लोगों को कुछ idea है जहां पर वुदू recommended है?
नमाज में तो रेकमेंड है? नहीं नहीं, रेकमेंडेड नहीं मोसीना, दैट इज ऑब्लिगेटरी। अगेन मैं आपको दोबारा से रुके वापस से रिपीट करती हूँ, मुझे आप लोगों को ना ये अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर वुदू ऑब्लिगेटरी है? चलें अब ऑब्लिगेटरी वाला बताएं, क्योंकि ये मोसीना के क्वेश्चन से मुझे मतलब जवाब से मुझे ये लगा कि इसमें क्लैरिटी अभी भी नहीं है। जी रशीदा। सलाबाजी। वेरी गुड। शमीम आप बताएं। बिफोर सेइंग अल्लाहस नेम यू आर टॉकिंग ऑफ रेकमेंडेड और ऑब्लिगेटरी? रेकमेंडेड ओनली। ओके आई एम आस्किंग अबाउट ऑब्लिगेटरी नाउ, व्हेन इट इज ऑब्लिगेटरी? सो बिफोर सलाम, टचिंग कुरान। Before touching Quran, absolutely. And one more. Before tawaf, before circumambulation of the house of Allah, it is obligatory. So there are three times when we can say wudu is obligatory. Just hang in, adhan ho rahi hai, just hang in. Okay, the three times when it is obligatory, salah, before touching the Quran, and before tawaf. Yes, Shamim? It's two places only, no? Before prayer and before tawaf. What about touching Quran? I think this will not come under this. No, it is not thinking business, Sister Shamim. We have got Quranic verses and hadith stating that. Okay. Quran is a book of Allah, and somebody who is pure only is allowed to touch. So that is the reason we have those questions coming up where people say that if we are reading from a digital Quran, you remember when you are in the state of menstruation and students, so they wear gloves because without wudu, you're not supposed to touch the Quran. So that is that level. Of course, I understand if you are referring only one book of Dr. Abdul Azim Badawi, it says only 2 points. But in other books, Bulugh al-Maram and all, it has been mentioned very clearly, right? And to have this lecture with you people, I'm referring to 3 books, not even one. So alhamdulillah, trying to combine everything and giving you a broader spectrum. Okay? Yes, Sister Rashida. बाजी जस्ट कुरान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है तब भी वजू में रहना है क्या? सी टचिंग कुरान जो है ना, टचिंग कुरान वी नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ वुदू। अभी हम लोग ये पढ़ने के लिए टच कर रहे हैं कि उठाने के लिए टच कर रहे हैं, टचिंग द कुरान लिखा हुआ है, तो फिर इट इज बेटर दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ वुदू, राइट? ओके बाजी। या Because even I had this question, कई बार हम यहाँ से वहां शिफ्ट करते हैं तो we should be in a state of wudu. But ये है कि it has been mentioned that touching the book of Allah Azza wa Jal, the text, you should be in a state of wudu. तो इसीलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको ऐसी जगह पे अच्छे से रखें, एहतराम ऑफ द किताब इस तरीके से हो कि वो सही जगह पे हो, उसकी हम डस्टिंग करते रहें और हम रोज पढ़ते रहें ताकि वो हमारा उससे मुताला होता रहे और उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहें। ऐसा भी ना हो कि हम उठा के ऊपर इतना रख दें कि सीढ़ी लगाकर उसको निकालना पड़े, बिकॉज बैक होम
इसी तरीके से हमारे जगह पे कुरान रखा जाता था, एकदम ऊपर एकदम उत्तर ऊपर, एहतराम कर रहे हैं ना, उसको टच कर रहे हैं ना, उसकी धूल मिट्टी सफाई हो रही है, कुछ नहीं, एहतराम हो रहा है, ऊपर लगा हुआ है वो. So I hope you are able to understand what I'm trying to say. But the condition is to touch the Quran, you should be in a state of wudu. Now acts in which ablution is recommended. Abhi hum fard se hatke kis pe aa gaye? Recommended. Haan? Sunnah. Kahan par? Mustahab hoga. I'll state few things. Aur phir, of course, we have the backing of hadith here. All right. When we are mentioning the name of Allah, wudu is recommended. There is a hadith which says that Prophet sallallahu alaihi wasallam did not respond to him until he made ablution. Al-Muhajir ibn Kunfuth narrated that he greeted the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not respond to him until he had made ablution. Then he said, nothing prevented me from responding to you except that I disliked mentioning Allah except while in a state of purification. Lekin hum log isko itna kya kehte hain, सीरियस इसको ना लें, क्योंकि ऐसा होगा फिर कि हम अगर वजू की हालत में नहीं है तो हम जिक्र नहीं कर सकते, हम सलाम का जवाब नहीं दे सकते. इट इज अ डिसलाइक्ड लेवल, सो इस पे इतना टेंशन नहीं लेना. ओके, स्लीप, सोते वक्त हम वजू करके सोएं. वी हैव हदीथ ऑन दैट, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, वी ऑल नो इट. इसलिए मैंने कहा था कि जब हम ईशा की सलाह हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम बात ना करें, बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ वुदू एंड वी आर स्लीपिंग इन दैट स्टेट ऑफ वुदू, तो वो क्या हो गया, सुन्ना एक्ट हो गया. ठीक है. While in a state of sexual defilement, yani after janaba jo hai, immediately ghusl nahi, lekin at least wudu karna is recommended. So this is the time when wudu is recommended, after the state of janaba. Ek jagah par ye bhi aata hai ki after the state of janaba, agar koi khana peena chahta hai, he wishes to eat, drink or sleep, so it is recommended that you do wudu and then you sleep. Then before making ji amrin ma'am, ek mujhe doubt tha wudu se, wudu ke related. Jaise quran ka to ma'am clear hai, lekin hame par kuch books hoti hai na ma'am, pakistani se pansure hote hain ma'am, usse thode se quranic text hote hain, lekin baki sab duaen hoti hain usme. तो क्या उस, अगर हम उसमें से दुआ पढ़ना चाह रहे हैं कोई भी, जैसे सूरह कहफ हम पढ़ना चाह रहे हैं फ्राइडे में, कुरान से नहीं पढ़ना चाह रहे, उसमें से पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर भी हमें उसे भी टच करने के लिए वजू करना पड़ता है या बिना वजू के कर सकते हैं, टच और पढ़ सकते हैं? अभी जो मैं कहने वाली हूँ ना, उससे ऑफेंड नहीं होना है किसी ने भी, और वही बात जो लुबना ने थोड़ी देर पहले कही थी. आप पंचसूरा क्यों यूज करते हो, आप कुरान क्यों नहीं यूज करते? मैम वो हैंडी होता है इसीलिए, और जो सिलेक्टेड दुआएं स्टार्ट में ही है, वो पूरे कैफ स्टार्ट में ही होती है उसके. अमरीन, 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 इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो मेरी अभी इधर आवाज सुन रहे हैं. हमारे पास कुरान है, हम कुरान से ही पढ़ेंगे. हम वो पंच सूरा, सात सूरा, छह सूरा, दो सूरा, कन्वीनियंस, अगेन आई रिमाइंड यू, कन्वीनियंस के पीछे मत भागिए. कुरान इज द बुक जिसको हमें सबसे ज्यादा दिन में हाथ लगाना है. ओके, सबसे ज्यादा हमारी पढ़ी जाने वाली किताब कुरान होनी चाहिए. तो प्लीज आप लोग सबसे, मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी पंच सूराज हैं, जितने भी सेपरेट कुरान की वर्सेस निकाली हुई चीजें, उसको आप इस्तेमाल ना करें. उसमें बहुत सारी गड़बड़ वाली चीजें मौजूद हैं. अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका, लेट मी नोट इट डाउन, मैं ग्रुप में उसका इंफॉर्मेशन डालती हूँ कि जो पंच सूरा और वो जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स बिसाइड्स. नहीं नहीं मैम, मैं उस बुक में से किसी और चीज के बारे में पढ़ने के लिए नहीं कह रही, नथिंग. अमरीन, मैं जानबूझ करके ये बात कर रही हूँ आपसे, बिकॉज यू हैव डिस्कस्ड अबाउट पंसूरा, आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, कि आप एंड में पढ़ क्या रहे हो, आप कुरान ही पढ़ रहे हो ना, कुरान की सूरा पढ़ रहे हो उसमें से. ठीक है, यू डोंट, यू वांट टू रीड कुरान सूरे कहफ, तो आपको लाजमी, यू आर रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ अल्लाह अज़ वजल फ्रॉम द कुरान, आई होप सो, इंशाल्लाह आप स्टेट ऑफ वुदू में रहेंगे. वो दुआ की बुक को आपको वुदू की हालत में टच करना है, नहीं मैं कुरान की हुरमत वो दुआ की बुक को कैसे दूं, लेकिन उसके अंदर कुरानिक टेक्स्ट है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उसको साइड में रख दें. हम अभी कुरान की बात कर रहे हैं और आप सिर्फ कुरान से ही पढ़ेंगी. कुरान की सूरतें पढ़ना है तो कुरान से क्यों नहीं पढ़ती हो?
ओके मैम, ओके। अगेन आई रिपीट, सारी पंचसूराज को आप जो है रिफर ना करें, जस्ट रिफर टू कुरान, इब्ने कसीर की तफसीर पढ़ें, और ये जितने भी शॉर्टकट और कन्वीनियंस वाली जो चीजें हैं जो कि हम लोगों की प्रैक्टिस और हैबिट को खराब करती हैं, प्लीज आप साइड में रख दें। जी शमीम, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू आर राइटिंग द कुरान आयत देन आल्सो वुदू इज रिक्वायर्ड। वेयर आर यू राइटिंग? नॉट टचिंग, you're not touching the Quran, but you are supposed to write the Quranic ayats. Where are you like writing the Quranic ayat? In the notebooks, you have to write it. Then also, we have to be in a state of wudu, and during periods time also we can write. See, this I'm asking you the question. Yeah, I know. This thing, I really need to check it, because why are you writing, and even in the state of impurity. If you are studying something, we are supposed to write. You are writing the Arabic text, you're saying? Yes. Arabic surah. If you are writing, then what comes? If you are in a period, how you will be in a state of purity then? Then we cannot write? See, dealing... If you are a student, Arabic, you have to... Dealing with the Arabic text is something that you should be in a state of wudu, no? Because you are dealing with the Arabic text. That's why during menstruation and all, you're not touching it. The only thing that a student and a teacher is exempted during the menstruation is touching the Quran, and then if you have a lesson or something, you are reading it. But again, if you have to write it, then I really need to check that, because writing, for what purposes you are going to write? You write the Quranic verses, and if you're in a state of impurity without wudu or periods, this needs to be checked. I will check that. Huh? Ma'am, one more thing. Yeah. What about the book of Tafsir? Like I have got Tafsir Ibn Kathir, and if I want to go through it, do I need to perform wudu before it? Not really. Tafsir and commentary and this thing is all right, no? Only Quran, okay. It has been mentioned about Quran, the book of Quran. And ma'am, and what about if in the state of menstruation, can I read through from that book, from the book of Tafsir? You wear the gloves and then you can, because in menstruation there is no question of wudu or anything like that, but you are a student of knowledge, you can go through the commentaries and stuff like that. Wear gloves. Okay. And what I personally prefer, I would tell you my this thing, a practice is I go digital. If I am in a state of menstruation, rather than touching the hardbound books, I go digital. So there are, in our times, mashallah, we have no facilities, so let's use that. Yes, yeah. Okay. And it's only a matter of few days, no? So it doesn't. It shouldn't be a problem. जी ma'am. जी. ठीक है. तो ये एक दो points हम cover करते हैं. Then inshallah we'll close for today. It's already 12. So we spoke about. जी. एक बात मैं बताऊँ, ये जो मंसूरा की बात हो रही है. जी please. या जो किताबें हमारे यहाँ मशहूर हैं, हमारे घरों में रखी हुई हैं. जी. हमारी नानी दादी के दौर से. उसके अंदर ना बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि गैर मसनून है, बल्कि शिरकिया भी है, यानी उनके अंदर शिर्क वाली बातें भी है, और हमें क्योंकि नॉलेज नहीं है ओरिजिनल अरबी टेक्स्ट की, तो इसलिए हम फिर वो अमूमन इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी अम्मी ये पढ़ती थी, और बहुत सारे दुरूद शरीफ ऐसे हैं जो कि गैर मसनून है, तो इसलिए इनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इसीलिए रुबना मैंने इमीडिएटली अमरीन को वही कहा कि जैसे ही उसने पंचसूरा का जिक्र किया, आई सेड जस्ट लीव इट अवे। जी, वो छोटी छोटी बुक्स वो हैंडी रहती हैं, लेडीज बस उसी में से सूरह यासीन सारी जिंदगी पढ़ती रहती हैं, बाकी कुरान को कोई खोलता ही नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत एक हैबिट बन चुकी हुई है। हाँ, नहीं, ये सारे पंचसूरा और सेपरेट कर दिया, उसको हटा दीजिए। अमूमन हम ये काम इसलिए कर रहे थे कि मेरी अम्मी ये करती थी, तो बस ठीक है, अम्मी इसलिए करती थी कि नानी इसलिए करती थी, तो हम असल कुरान की तरफ आए नहीं। तो जब तक हम ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने के काबिल नहीं होते ना, देखिये हम दुनिया की हर तालीम ले रहे हैं, अगर हम अरबिक नहीं पढ़ते हैं, ओरिजिनल अरबिक को नहीं समझते, तो फिर ये डाउट्स हमेशा रहेंगे, फिर हमारी तालीम नाकिस ही रहेगी। ठीक है ना? ठीक, नूर का हाथ जो हमारे मुआशरे में सर्कल कर रही है ना, ये किताबें जो हमेशा से छपती आई हैं, वो फिर हमें असल दीन की तरफ नहीं आने देती, वो बिदत पर मबनी चीजें और गैर मसनून चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है, दुआएं भी और बहुत सारी चीजें भी। बिल्कुल, अलग अलग होती है ना, जैसे सूरह कहफ अलग लिखी हुई है, वो एक अलग चीज है। वो सूरा वाइज आप कुरान पाक को अलग कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है ना, जैसे सूरह मुल्क मिल जाती है आपको, सूरह यासीन अलग लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन वो जिसके आखिर में दुरूद माही, दुरूद तंजीना, दुरूद
ताज दुरूद लखी वो सारे दुरूदों में सारा शिर्क भरा हुआ। नबी सल्लम ने ऐसा कोई दुरूद नहीं सिखाया, तो फिर हम वो सुबह का इतना बेहतरीन टाइम हम शिर्क में गुजार देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। ये बात है ना, ठीक है। इसलिए इन चीजों को जिसके अंदर डाउटफुल चीजें हों उनको छोड़ दें, खत्म करें, असल कुरान की तरफ आए, असल हदीस की तरफ आए, या असल फिक्र की तरफ आए, असल इल्म की तरफ आए। असल इल्म कुरान और सुन्नत का है, इससे हटकर जो कुछ भी है वो बिदअत है, ठीक है जी। नसरीन जी, तो नलीफायर्स ऑफ वुदू के तरफ अगर हम फिर से आ रहे हैं, तो यही है कि बिफोर मेकिंग गुसल हम लोग वुदू करेंगे फिर से, यानी वी बिगिन विद अवर वुदू जब हम गुसल करते हैं तो, ओके, वेदर ऑब्लिगेटरी है या रिकमेंडेड गुसल है, लेकिन हम वुदू करेंगे। उसके बाद बिफोर एवरी सलाह, अगर आपका वुदू इंटैक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो बिफोर एवरी सलाह, क्योंकि जिनकी जो कंडीशन होती है जैसे इनकंटिनेंस, मसलन जिनको यूरिन की या गैस की इशू होती है या जिनको वाइट डिस्चार्ज की इशू होती है, तो उनके लिए कहा गया है कि इवन इफ देयर वुदू दे थिंक इज इंटैक्ट, उनको रिपीट करना है। तो इसीलिए वुदू जो है बिफोर एवरी सलाह उनके लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद आफ्टर एवरी एक्ट जो कि आपके वुदू को नाकिस कर देता है, या नहीं क्या था, नवाकिद कर देता है, नलीफायर्स ऑफ वुदू, तो वो उसके बाद आपको लाजमी आपको वजू करना है। एंड वॉमिट, हमारे एक सिस्टर ने वॉमिट के बारे में डिस्कस किया था, तो अगेन शी स्पोक दैट इट इज ऑब्लिगेटरी, तब मैंने उनसे कहा था कि ये रिकमेंडेड में आएगा, तो अभी वो रिकमेंडेड में आ रहा है ड्यू टू वॉमिटिंग। हमारे पास हदीस मौजूद है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉमिटेड एंड ब्रोक हिज फास्ट एंड देन मेड अब्लूशन, यानी वॉमिट किया अपना, उनका रोजा जो है वो टूट गया और फिर उन्होंने वुदू किया। So I met Thawban in the mosque of Damascus and mentioned that to him, and he said he told the truth. I poured the water for him for his ablution. तो ये हमारे लिए reference काफी हो जाता है कि vomit के बाद अगर सलाह के दौरान आ जाए तो हमें वुदू definitely करना पड़ेगा, वुदू break हो गया and सलाह भी करनी पड़ेगी। तो that is one thing। और एक और एक बात और, अगर वुदू टूट जाता है नमाज के दौरान तो हम वुदू करते हैं दोबारा से जी, तो क्या नमाज को हम दोबारा शुरू से पढ़ें या जैसे तीसरी रकात में थे तो हम तीसरी और चौथी पढ़ें, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। लुबना बेस्ट तो यही है ना कि पूरी रिपीट कर दें, शुरू से पढ़ लें दोबारा, शुरू से पढ़ लें, क्योंकि जमात सेफ हैंड यही ये सेफ हैंड यही है। यू इफ यू रिमेम्बर ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने हमने अपनी क्लास में जब किया था तब बहुत डिटेल की डिस्कशन हुई थी कि अगर हम जमात में हैं और जमात सब जो चल रही है चार रकात वाली है और आपका सब जो वुजू जो है फर्स्ट टू रकात में वो हो गया एंड देन आप वुजू कर आ रहे हैं तब तक ये थर्ड शुरू है, तो क्या आप फर्स्ट सेकंड पढ़ेंगे या थर्ड में ज्वाइनेंगे, यू रिमेम्बर? तो द फाइनल कंसेंसस ये था कि आप पूरी रिपीट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। उसमें ये ना कि थर्ड में आप ज्वाइन हो जाएं उसके बाद फिर अपनी बाकी की रकात पे दोबारा लौटा दें, यही होगा ना? हाँ, यानी पिछली रकातें दोबारा फिर खुद से पढ़नी पड़ेंगी जी, थर्ड और फोर्थ इमाम के साथ कंटिन्यू। हाँ, और वन एंड टू फिर आप रिपीट कर ले, यही है ना फिर? यानी सलाम के बाद आप फिर दो रकात उठ जाएंगे फिर पढ़, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस हैं जिसके अंदर जो है वुदू हमें करना रिकमेंडेड है, तो हमें फर्क जो है जानना बहुत जरूरी, जैसे मैंने कहा। और एक लास्ट पॉइंट जो इसमें था कि आफ्टर कैरिंग द डिसीज्ड, यानी अगर आप मैयत को कंधा देते हैं, यानी ये तो आदमियों के लिए है समझो, तो और जो गुसल देते हैं, हूएवर वॉशेज द डिसीज्ड शुड मेक द कंप्लीट बैथिंग, यानी गुसल करें और जो उनको कैरी करते हैं वो वुदू करें। अब इसके अंदर भी बुलूगुल मराम में सारी कंडीशंस बताई गई है कि ये ऑब्लिगेटरी वाला लेवल पे भी एक जगह पे आ रहा है, एक जगह पे रिकमेंडेड पे भी आ रहा है, और एक जगह पे ना भी करें तो ठीक है, सिर्फ हैंड वॉश भी कर लें तो ठीक है। तो हमारे लिए फिर आसानी हो गई है, जो हालात हैं, जो मौका है उसके मुताबिक हम कर सकते हैं, बिकॉज हर सिचुएशन की हदीस मौजूद है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इसमें, बस जो कंसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फिक है उसके अंदर एक और एक पॉइंट है जो कि मैंने बुलूग अल मराम में या दूसरी जगह पर नहीं पढ़ा था, विच इज दैट आफ्टर ईटिंग व्हाट हैज बीन कुक्ड ओवर फायर, यानी हर वो चीज जो कि आग पे बनी हो वो खाने के बाद वुदू करते हैं। इसकी हदीस मौजूद है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेक अब्लूशन फ्रॉम व्हाट द फायर हैज टच्ड,
दैट इज वॉट हैज बीन कुक्ड ओवर द फायर. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई फ्रूट सैलड वगैरह ऐसा कुछ खाया है जो पका नहीं है आग पर, तो आपका वुदू इंटैक्ट रहता है. लेकिन अगर कोई आग पे पकी हुई चीज आपने खाई है एक निवाला, तो हम कहेंगे कि हमने सिर्फ पानी पिया, गार्गल करके हम वजू कर लें, तो ये हदीस जो है उस चीज को रिजेक्ट करती है. ये हदीस कह रहे हैं कि आपने वुदू रिपीट करना पड़ेगा. ठीक है मैम, ये रिकमेंडेड है the cooked after fire. Yes, yes, ये recommended है. इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. जो रिकमेंडेड है ना वो एक्ट्स अगर हमसे छूट भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वॉच आउट फॉर ऑब्लिगेटरी. रिकमेंडेड जो है हमें अगर अपना कहते हैं ना ब्यूटीफाई करना है और बेहतर से बेहतरीन करना है, बेस्ट करना है, वी आर एमिंग फॉर द पोजिशन ऑफ मुकर्रबून, ओके द हाइस्ट लेवल्स, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम जो है वो मुस्तहब रिकमेंडेड भी करें और एडिशनल वॉलंटरी भी करें, तब जाके फिर हम लोग जो है इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह अल्लाह को राजी करने वाले होते हैं. लेकिन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आती है तो आप आसानी से चूज करें, जस्ट ऑब्लिगेटरी कंप्लीट कर लें एंड फील गुड अबाउट इट, अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह एक्सेप्ट इट, राइट. ठीक है मैम, एक डाउट है. Sure. ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया ना, आफ्टर ईटिंग एवरीथिंग कुक्ड ओवर फायर, फायर मैम जो बकायदा फायर होती है जो हम लोग गैस ये जो फायर पे बनाते हैं वो भी इंक्लूडेड आएगा इस वाले में. फायर इज अ फायर नो अमरीन. ओके, फायर इज अ फायर, चाहे वो लकड़ी में हो या सिलेंडर में हो. नसरीन अब हम कहीं और चल पड़ेंगे. फायर इज ओके. ठीक है ना, तो इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अगर कोई आपके सवाल कुछ रहते हैं या कुछ डाउट्स है तो आप बेशक ग्रुप में डालें. मेरे पास वैसे बहुत सारी चीजें जमा हो गई हैं जो मुझे ग्रुप में डालना है. इंशाल्लाह ताला मैं पोस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी बिइज़्निल्लाह. एंड मे अल्लाह एक्सेप्ट दिस फ्रॉम अस एंड मेक इट इजी फॉर अस. सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक. लुबना कुछ कहना है? वी आर ऑलरेडी 12:13, आई थिंक दोहर पढ़नी है. वी आर ओके. नहीं नहीं, नसरीन जज़ाकल्लाह खैर. माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन रही अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता इस क्लास में. माशाल्लाह क्योंकि सब लोग बीच में डिस्कशन ले रहे होते हैं ना, मतलब सब हाजिर होते हैं, सब जाग रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है. अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जो नहीं जाग रहा होता ना उसको आप जगा देती है. अल्हम्दुलिल्लाह बस सही करे यार, अब क्वेश्चन पूछ के ना सबकी आंखें खुला देती है. जी 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 बिल्कुल जरूरी है. जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया. चलें जी, टेक केयर जी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम.